शादी के दिन है तो सबसे पहले हम दूल्हे को कपड़े पहनाएंगे, वो भी सबके सामने, तो इट इज़ वेरी मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट फॉर हिम। तो वो भी चलते हैं, जो कपड़े पहनाने के सीन है कैसे पहनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, चलो लेट्स मूव। इस व्लॉग में हम आपको गिलगित बल्तिस्तान की सकाफती शादी दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ सरगर्दम में शादी 3-4 दिन तक चलते हैं नॉर्मल, और शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई है। तो सबसे पहले हम देख वगैरह जमा करते हैं। गाँव में आपको पता है कि हम देख वगैरह, हम खाना वगैरह हम खुद बनाते हैं, तो सबसे पहले हम देख जमा करने चलते हैं ट्रैक्टर की तरफ। और मेरे मुझे तो ताली में बिठा दिया, ये तो हमें सीढ़ी बैठ गए। इधर बर्तन नहीं, मतलब देख लेने जा रहे हैं, देख बर्तन ही कहते हैं ना। तो आज का सीन ये है कि गाय भी जमा करने और छोटा सा प्रोग्राम है, कल मेहंदी है, परसों शादी। वाह, कमाल की ड्राइविंग की, वाह माशाल्लाह, क्या ड्राइविंग की यार जी। इसको कहते हैं बल्टी में जंग जंग, ये है दूसरा। हमने देग वगैरह जमा कर लिया है, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं और ये भी डिसीजन लेने हैं कि कल कौन सा बंदा क्या काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा बंदे आते हैं गांव के सारे, हम इनवाइट करते हैं सबको प्लस भारती। तो अभी डिस्कशन चल रहा है, आप थोड़ा डिस्कशन सुन लें। के दिन आज मेहंदी के दिन है, तो सबसे पहले हम ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं। कल हम देग वगैरह लाया था, दिन है तो हमें शामियाना सेट करना है, तो सबसे पहले हम शामियाना लेने जा रहा हूँ। हम ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं और सर्दी भी ज़्यादा है तो ट्रैक्टर स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। अभी सुबह बज गए हैं 6:30। सारे शामिल हैं। गाइस हम अभी जो है वो झालर वाला लाइटिंग वाला कर रहे हैं, तो ऊपर लाइटिंग वाला डिजाइन वर्क कर रहा हूँ और थोड़ी देर बाद हमने फ्रंट साइड का भी डिजाइन वर्क करना है। तो क्या कर रहा है? झालर झालर लगा रहा हूँ, झालर लाइटिंग कर रहे हैं, लाइटिंग शॉटिंग हो रहा है, सारे लाइट पड़े हुए और ये सारा शिकर के भी मैंने अभी लगा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं साउंड सिस्टम लेने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है साउंड सिस्टम का शादी में। तो अभी जो साउंड सिस्टम है वो ख़राब है थोड़ा, तो वसीम क्या कह रहे हैं, मिल रहे है अवेलेबल साउंड सिस्टम? अवेलेबल है यहाँ पे, बट रेंट का नहीं पता, रेंट हम डिसाइड करके लेंगे, इसका साउंड चेक करके ले जाएंगे। नहीं वो टिकट वैसे कितना रेंट है एक दिन का? पता नहीं, वो बता रहा था 1200 तो होगा आई थिंक। अच्छा तो 1000 या 1200 होगा एक दिन का। तो गाइस ये है साउंड सिस्टम, अभी हमने मिल गया है, तो वैसे बेयर करो इसको। नाउ आई एम चेकिंग दिस वन, तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि साउंड सिस्टम ठीक है कि नहीं। ये रोड पे आप उनसे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर साउंड सिस्टम जो है थोड़ा हैवी है, तो वो सिम अब मज़ा आएगा बहुत बहुत। तो गाइस ये आगे रोड के पास, तो गाड़ी में चढ़ाओ यार इसको, माइक थोड़ा टेढ़ा करके चढ़ाओ। ओके गाइस अभी चलते हैं वापस घर, तो अभी हम यहाँ से आगे तक एंजॉय करते जाएंगे। तो वसीम चलो जी, लेट्स गो। तो अभी हम चलते हैं किचन की तरफ, आप वहाँ पे देखेंगे वहाँ का क्या सीन है और किचन का जो माहौल है वो आपको दिखाएंगे, और विलेज में हम खाना किस तरह बनाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे।
अभी यहाँ पर प्याज और तल रहे हैं। वगैरह काट के अभी हम आए हैं पानी लेने, या हमारे वाटर जो टैंकर है उसको फिल करने आए हैं। अभी नीचे मोटर लगा रहे हैं, अभी पानी आ जाएंगे। तो मैं ये अभी पूरा फिल होकर आ रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं तो बहुत हैवी हो गए इसके लिए। ये आप आगे सभी शामियाने जो है वो लग चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं तहरी फुल जोर पकड़ लिया है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान में ट्रेडिशनल मेहंदी लगाने का तरीका। और सबसे पहले दुल्हे को मेहंदी लगाते हैं, उसके बाद वन बाय वन सब मेहंदी लगाते हैं। तो हम चलते हैं मेहंदी की तरफ और वहाँ का जो माहौल है वो आपको दिखाएंगे, और मेहंदी के साथ साथ आप कसीदे भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम मेहंदी लगाते हैं। तो गाइस ये है फाइनल सीन, घर को जो है डेकोरेट किया है, हमने खुद डेकोरेशन खुद किया है। और वहाँ पर शामियाने लगा हुआ है और उसके साथ किचन हमने प्लान किया हुआ है, वहाँ पर लगाया हुआ है। मेहंदी के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा इस क्लिप के बाद। गिलगित बल्तिस्तान की शादी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो फॉर बॉयज वो ये है। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बिस्तरे वगैरह नहीं थे और जगह के कम पड़ रहे थे, बहुत तो बुरा हुआ हमारे साथ। लेकिन रात को हमने बहुत एंजॉय किया 4 बजे तक। तो अभी हम आज शादी का दिन है और जो गिलगित बल्तिस्तान में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी है और जो बारात के साथ किया जाता है वो बहुत मज़े की है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बारातियों के साथ हम क्या करते हैं। तो लेट्स गाइस, कल रात हमारा वो ये रात को हमने एंजॉय किया म्यूज़िक के साथ, और अभी लास्ट डे है, लास्ट डे ऑफ मैरिज। और अभी हमारा जो अभी टाइम है डेकोरेशन का, गाड़ी थोड़ा सा है लेकिन चल जाएगा, नहीं गाड़ी ठीक है। सो गाइस, अभी फिलहाल जो दुल्हन है वो उसको तैयार करने के लिए ले गया हुए हैं। शादी के लिए और अभी मैं जा रहा हूँ, कपड़े शपड़े पहन लिया और ये हार हैं 2-4। अभी टाइम है दूल्हे को कपड़े पहनाने, शादी के दिन है तो सबसे पहले हम दूल्हे को कपड़े पहनाएंगे, वो भी सबके सामने। तो इट इज़ वेरी मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट फॉर हिम। तो अभी चलते हैं, जो कपड़े पहनाने के सीन है कैसे पहनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो लेट्स मूव। कपड़ा पहनाने
के बाद ना दुल्हे को हम घुमाने लेके जाएंगे आउटिंग पे, और इस जो भी एक्टिविटी होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ इस सीन में। गाइस वसीम को देखे इसने क्या हालत की है गाड़ी की, जो वसीम जी फिलहाल म्यूजिक ऑफ कर रहे हैं, ऑन करो ना म्यूजिक, म्यूजिक ऑन में जी। भाई का हम कमरा सेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको उसका कमरा दिखाता हूँ, तो चलिए कमरे देखें इसके। आखिरी दिन है शादी का और ये शाम हो गया, तो अभी हम दुल्हे से जरा हेल हाई करते हैं। अभी इस शहर जहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं उसको वो थोड़ा घास वगैरह डाले आग जलाने के लिए, अभी अभी पहुँच गया है, जब यहाँ पे आग जलाएगा के दिन कुर्बान होने वाली बकरे का हम। सो गाइस अभी मैं उन्हीं बंदे से मिलने जा रहा हूँ, आज की तो नहीं है लेकिन स्पेशल बकरा है जो आ रहा है, जैसे भी उसका शाम ढक गया है लेकिन वहाँ का फैंटास्टिक लाइट नजर आ रहे हैं। एंजॉय, तो नाज़रीन ये थे गिल बल्तिस्तान में शादी, बहुत इंजॉय किया, उम्मीद करता हूँ आप भी इंजॉय किया होगा। अभी कैसा लगा ये व्लॉग आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं होते प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।